Hello everyone, I am Amita, your SST teacher, and today is our lecture on the topic of major landforms. This topic is taken from chapter Our Changing Earth. अभी तक हमने पढ़ा कि endogenic forces अर्थ सरफेस पर कैसे changes लेकर आते हैं. Volcano और earthquake के example से हमने समझा कि किस तरह अर्थ के इंटीरियर से फोर्सेस काम करती हैं और वो कैसे चेंजेस लाती हैं अर्थ सरफेस पर. और अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है वहां भी अलग अलग फोर्सेस काम करती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पर चेंज आता है. इन मेजर लैंडफॉर्म्स द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न आउट बाय टू प्रोसेस. मीन्स हमारा जो लैंडस्केप है, जो दिखता है, वो कंटिन्यूसली वॉर्न आउट हो रहा है. मीन्स टूट रहा है या बदल रहा है. और ये दो प्रोसेस से पॉसिबल होता है. वो दो प्रोसेस हैं वेदरिंग एंड इरोजन. दीज आर एक्सोजेनिक फोर्सेस. वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मीन्स हमारी अर्थ सर्फेस पर जो रॉक्स हैं वो टूट रहे हैं टेम्परेचर में चेंज की वजह से, बारिश की वजह से, या इसके और भी बहुत से रीजन हैं. जो रॉक्स हैं उन पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, साथ ही रेन का भी इफेक्ट पड़ता है. और जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाता है ये रॉक्स ब्रेक होने लगते हैं. इसके साथ साथ एक और चीज होती है जिससे हमारा अर्थ सर्फेस चेंज होता है और वो है इरोजन. मेनली क्या होता है कि वेदरिंग से तो रॉक्स जहां पर है वहीं पर टूट जाते हैं, लेकिन इरोजन से वॉर्न आउट मटेरियल नेचुरल एजेंट्स की हेल्प से इरोड हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है. और ये नेचुरल एजेंट्स हैं विंड, वाटर, आइस एटसेट्रा. मीन्स इरोडेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा. और ये मटेरियल या सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होते रहते हैं एंड इट क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ वी विल डिस्कस कि किस तरह एक रिवर लैंडफॉर्म में चेंज लाती है. और ये चेंजेस जो आते हैं ये आते हैं मेनली इरोजन्स की वजह से. देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वर्क ऑफ रिवर, जैसे कि वॉटरफॉल, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टा एटसेट्रा. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट वॉटरफॉल. जैसे हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं रॉक्स के बारे में, रॉक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं. कुछ हार्ड रॉक होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं. अब अगर हार्ड रॉक के ऊपर से रिवर फ्लो करती है और उन हार्ड रॉक से कुछ आगे सॉफ्ट रॉक हैं, तो रिवर के फ्लो की वजह से सॉफ्ट रॉक टूटते जाते हैं और धीरे धीरे वॉटरफॉल की फॉर्मेशन हो जाती है. अब ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, सपोज ये एक हार्ड रॉक है, एक रिवर यहां से फ्लो कर रही है और ये हार्ड रॉक है, आगे जाकर यहां पर सॉफ्ट रॉक है. तो धीरे धीरे रिवर का जो फ्लो है उसके फ्लो की वजह से, उसके पानी की वजह से ये सॉफ्ट रॉक टूटने शुरू हो जाते हैं. और ये टूटते टूटते इसका यहां पर ऐसी शेप आ जाती है और ये कट हो जाता है. इसकी शेप एक झरने जैसी, एक वॉटरफॉल की तरह शेप आ जाती है. तो जो हार्ड रॉक है वो आपको नजर आ रहा होगा यहां सीधा है, और सॉफ्ट रॉक कट होने की वजह से वो पानी नीचे की तरफ जाने लग जाएगा, यानी कि ये वॉटरफॉल की फॉर्मेशन हो गई. और वॉटरफॉल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वॉटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हजारों वॉटरफॉल्स हैं, इंडिया में भी हैं. जो हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा वॉटरफॉल है वो है एंजल वॉटरफॉल ऑफ वेनेजुएला. वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है. द अदर वॉटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स. नियाग्रा फॉल्स का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत लोग इसे घूमने भी जाते हैं, देखने जाते हैं. ये है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर नॉर्थ अमेरिका में. इन विक्टोरिया सॉरी एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. ये जो थर्ड फेमस वर्ल्ड का वॉटरफॉल है वो है विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ रिवर, दैट इज ऑक्सबो लेक्स. थैंक यू.